हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र पारसाथी आपका अपने चैनल के माध्यम स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, दोस्तों अभिनंदन करता हूं। मेरा इस छोटे से चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे मैं भी अपने शिखरतम तक पहुंच पाऊं और आप सबके सहयोग से मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके माध्यम से पढ़ेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, मानव नेत्र के सभी थ्योरी और इसके नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसके सभी न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र क्या होगा? मानव नेत्र दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका आपको पता है कि आपको दोस्तों पता होगा कि आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसी ज्ञानेंद्रियों में से एक आपका ज्ञानेंद्रिया है, जिसको हम नेत्र बोलेंगे। इसके माध्यम से हम क्या किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस अंग से, शरीर के जिस अंग के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसके साथ किसी वस्तु को देखेंगे, वही आपका नेत्र है। वही क्या होगा दोस्तों? नेत्र है। नेत्र गोल आकार का होता है। नेत्र गोल आकार का होता है। चलो ठीक है, बात करते हैं इनके सभी पॉइंटों के बारे में, किसमें क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो आपका मानव नेत्र है, मानव नेत्र एक गोलाकार का होता है और एक गोलाकार का होता है और इस गोले को जो पूरी तरीके से ढका होता है, इस गोले को जो पूरी तरीके से ढका होगा, अर्थात गोले को जो सुरक्षा प्रदान करता, सबसे ऊपरी परत को, ये सबसे ऊपरी परत को हम दोस्तों बोलते हैं दृढ़ पटल। इसको क्या बोलेंगे? दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं इसको हम दोस्तों, सभी लोग जानते हैं दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये जो दृढ़ पटल होता है, ये दृढ़ पटल क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी के साथ साथ यह श्वेत कलर का होता है। किस कलर का होगा दोस्तों? श्वेत कलर का होता है, यानी वो सफेद रंग का होता है। यानी कि जो मानव नेत्र को जो पूरी तरीके से ढका होता है, उसको हम बोलते हैं दृढ़पटल। दृढ़पटल आपका अपारदर्शी होगा और इस श्वेत कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। अब देखिएगा, आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है, आंख का जो ये उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को दोस्तों हम सभी लोग कहते हैं कार्निया। इस उभरे हुए भाग को हम बोलते हैं क्या? कार्निया। अगर हम कार्निया की बात करते हैं तो कार्निया क्या है? मानव नेत्र का उभरा हुआ भाग। ये मानव नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है ये उभरा हुआ भाग, पूरे भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस पूरे भाग को हम कार्निया के नाम से जानते हैं दोस्तों। जो कार्निया होता है, ये कार्निया दोस्तों ध्यान दीजिए कि श्वेत कलर का होता है। किस कलर का होगा? सफेद रंग का होता है और ये पारदर्शी होता है। क्या होगा? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब यह होता है कि प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड बहुत आसानी के साथ प्रवेश कर सकता है। और जो मानव नेत्र में प्रकाश क्या होता है? प्रकाश इसी भाग द्वारा आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से आंख में क्या करता है? प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो कार्निया होती है, इसी भाग को दान किया जाता है। यानी कि कभी भी दोस्तों ध्यान दीजिए, कहा जाता है हम आंख दान करते हैं, आंख पूरी आपके निकाल के दान नहीं की जाती, बल्कि केवल इसी कार्निया एक प्रकार की झिर्री होती है, जिसको निकाल करके दूसरे की आंखों में लगा देते हैं, दूसरे की आंखों में लगा देते हैं और यही आपका आंख दान करने का प्रक्रिया होती है। तो कार्निया आपको क्या होता है? श्वेत कलर का होगा, पारदर्शी होगा और प्रकाश इसी भाग से आंख के अंदर प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से क्या करता है? आंख के अंदर, आंख में प्रवेश करता है और इसी भाग को हम क्या करते हैं? दान करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आयरिस के ठीक पीछे, आप कार्निया के ठीक पीछे पाए जाने जो झिर्री होती है, इसको हम दोस्तों बोलते हैं आयरिस। क्या बोलेंगे? आयरिस। अब आयरिस क्या होगा ध्यान दीजिएगा, आयरिस क्या होता है? ये कार्निया के ठीक पीछे पाए जाने वाले एक झिर्री होती है जो अपारदर्शी होगी। अपारदर्शी के साथ साथ दोस्तों रंगीन होते, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, अगर देखा जाए इस जो आपको मेरी आंख दिख रही है, आंख के अंदर एक छोटा सा आपका गोला गोला भाग दिख रहा होगा, इसी गोले भाग को हम बोलते हैं आयरिस। इसी गोले भाग को दोस्तों क्या बोलेंगे? आयरिस। लेकिन याद करके रखने, किसी किसी की ये आपका जो गोला भाग है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होगा और किसी का भूरा होता है, अर्थात दोस्तों ये रंगीन होता है।
क्या होता है, रंगीन होता है। तो आयरिस आप बोलो क्या करेंगे, अपारदर्शी होगा, अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, ये रंगीन होता है, अपारदर्शी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, रंगीन होता है। अब देखिए कारण क्या है, जैसे आपके आंख में प्रवेश प्रकाश बहुत ज्यादा जाता है, मान लीजिए आपकी ये आंख है, अब इस आंख के द्वारा प्रकाश क्या होता है, बहुत सारे मात्रा में प्रकाश आपकी आंख में जाता है, तो जो इसी के अंदर पाया जाता है क्या, आयरिस होता है। आयरिस क्या करता है, इन सभी प्रकाश को क्या करता है, अंदर नहीं जाने देता, केवल और केवल इसके बीच में एक आपका पुतली या नेत्र तारा होता है, उसी पुतली या नेत्र तारा के माध्यम से प्रकाश को अंदर जाने देता है, बाकी सभी प्रकाश क्या कर लेता है, यहीं पर रोक लेता है, यानी आवश्यकता अनुसार ही प्रकाश को आंख के अंदर जाने देता है और बाकी सब क्या कर देता है, बाहर कर देगा, यानी इसीलिए क्या होता, अपारदर्शी होगा। अब देखिएगा आयरिस के ठीक पीछे, और दोस्तों इसका एक काम और है, पुतली को नियंत्रित करता है, पुतली को क्या करता है, नियंत्रित करता है, आयरिस का काम और क्या है पुतली। अब देखेंगे इस पर्दे जो आपका आयरिस है, इस आयरिस के ठीक बीच में, इस आयरिस के ठीक मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। अगर आंख को ध्यान से देखा जाए, इस आंख के अंदर देखा जाए, एक छोटा काली आंख के अंदर भी एक छोटा सा छिद्र होता है, इसी छिद्र को हम दोस्तों बोलते हैं पुतली या नेत्र तारा, इसको क्या बोलेंगे, पुतली या नेत्र तारा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आयरिस के ठीक मध्य में, आयरिस के ठीक मध्य में क्या पाया जाएगा, एक पुतली या नेत्र तारा होता है, पुतली या नेत्र तारा होता है, क्या होता है, पुतली या नेत्र तारा होता है। ये पुतली या नेत्र तारा का काम क्या होगा कि यह आयरिस के ठीक मध्य में पाया जाता है और जितना आपको प्रकाश की आवश्यकता होगी उतना ही प्रकाश को आंख में जाने देता है, अन्यथा आपके जो प्रकाश है आयरिस द्वारा रोक लिया जाता है। अब इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों, विशेषता ये है, अगर आपका प्रकाश कहीं पर जाता होगा तो अपने आप को क्या करना, सिकोड़ लेता है, और अगर प्रकाश कम होगा तो अपने आप को फैला लेता है, अर्थात अपने आप को समायोजित करने का बहुत बड़ी विशेषता है इसके अंदर। यानी कहीं कहीं के प्रकाश कम होता है तो आप लोग ऐसे करके देख लेते हो, अर्थात आपकी जो पुतली नेत्रतारा होता है वो फैल जाती है, जिससे आंख के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आप पहुंच सकता है, और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा जब आंख में प्रकाश जाता है, आप लोग ध्यान दोगे, ऐसे आपकी आंख थोड़ा सा दब जाती है, जिससे ऐसे दबा लेते हैं, जिससे आपकी जो पुतली या नेत्रतारा होगा ये दब जाता है, छोटा हो जाता है, और आपके आंख के अंदर प्रकाश आपके आवश्यकता के अनुसार ही अंदर जाने देता है, बाकी क्या कर लेगा, रोक लेगा। तो पुतली या नेत्र तारा की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने आप को क्या करता है, समायोजित कर लेता है। अब पुतली या नेत्र तारा के ठीक पीछे एक आपका नेत्रिका लेंस होता है, ये दोस्तों नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह क्रिस्टलाइन जेली का बना होता है, क्रिस्टलाइन जेली का बना होता है, जेली का बना उत्तल लेंस होता है, जेली का बना हुआ कौन सा लेंस होता है दोस्तों, उत्तल लेंस होता है। कुछ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर नेत्रिका लेंस किसका बना होता है, तो याद करिए दोस्तों क्रिस्टलाइन जेली का होगा और ये दोस्तों उत्तल लेंस होता है। ये ठीक कहां पाया जाएगा, आयरिस के ठीक पीछे पाया जाएगा, आपके पुतली या नेत्र तारा के ठीक कहां पाया जाएगा, पीछे पाया जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी आयरिस और नेत्रिका लेंस के ठीक बीच में एक आपका नमकीन पारदर्शी द्रव पाया जाता है, यानी कि जो आपका नेत्रिका लेंस है और जो आपकी आयरिस थी, इसी के ठीक मध्य में एक आपका नमकीन पारदर्शी द्रव होता है, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जानते हैं, जलीय द्रव या नेत्रोद के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों जो आपका जलीय द्रव नेत्रोद होता है, यह आपका आयरिस के ठीक पीछे और आपका नेत्रिका लेंस के ठीक पहले, अर्थात आयरिस और नेत्रिका लेंस के बीच में पाया जाने वाला जो द्रव होता है उसको हम बोलते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। इसका जो ये कैसा होता है दोस्तों, नमकीन होता है। आप लोग कभी कभी रोते वक्त देखे होंगे, आपके आंसू जब आपके मुंह में जाते आपको नमकीन टाइप लगता है। कितने लोग इसका स्वाद ले, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका क्या होता दोस्तों, नमकीन होता है, क्या होगा, नमकीन होगा। नमकीन के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, क्या होगा, पारदर्शी होता है।
यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो आपका नेत्रिका, जो आपका नेत्रोध होता है, नेत्रोध आपका पारदर्शी होगा, पारदर्शी के साथ साथ नमकीन होता है, और दोस्तों इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1.636 होगा। अब बात आती है आंख फूली कैसे होती है। आपकी आंख को फुलाए रखने के लिए आंख के अंदर आपका एक द्रव पाया जाता है। आंख के अंदर क्या पाया जाएगा, एक द्रव पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंख क्या होती है, फूली फूली यानी गोला आकार में रहती है। क्योंकि देखे होंगे दोस्तों कभी कभी किसी कुत्ते या किसी व्यक्ति की आंखें जब फूट जाती है तो वहां से एक आपका व्हाइट व्हाइट भाग पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह जब पदार्थ निकल जाए तो उनकी आंखें इसे दब जाती हैं, जिसकी वजह से जब उसके अंदर का मटेरियल निकल जाता है आंख आगे क्या होती है, पचक जाती है। तो आंख को फुलाए रखने का काम करता है किसमें होता है, कचाव द्रव। इसको बोलते हैं दोस्तों कचाव द्रव, कचाव द्रव होता है। ये भी आपका दोस्तों जो कचाव द्रव होगा ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी के साथ साथ इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होगा। कैसा होगा, 1.336 होता है। और इसका मेन काम होगा पूरी आंख को फुलाए रखने का काम कौन करता है, कचाव द्रव। कचाव द्रव कहां पाया जाएगा, आपके रेटिना, आपके नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच में जो आपका द्रव पाया जाता है इसी द्रव को हम बोलते हैं कचाव द्रव, जिसका अपवर्तनांक दोस्तों 1.336 होता है। अब देखिएगा दोस्तों आपके आंख को जो पूरी तरीके से गोला आकार होता है उसको ढके रहने वाली जो परत है, यानी आंख के आंख का जो सबसे ऊपरी परत होता है, आंख का जो सबसे ऊपरी परत होगा जो पूरी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, इस परत को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलेंगे, दृढ़ पटल बोलेंगे। लेकिन बात सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो दृढ़ पटल होगा ये आपका अपारदर्शी होता है। क्या होगा दोस्तों, अपारदर्शी होगा, और अपारदर्शी के साथ साथ ये श्वेत रंग का होता है। किस रंग का होगा, श्वेत रंग का यानी सफेद रंग का होता है। अब दोस्तों बात यह है, अगर आपके आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश कर लिया, अगर आपके आंख के अंदर प्रकाश प्रवेश कर लिया तो जितना आपका प्रतिबिंब बनेगा, इतनी प्रतिबिंब बनाने के बाद जो आपका बचा हुआ प्रकाश होगा उस वो कहां जाता है, वो कैसे नष्ट होगा, क्या करते हैं उसका आंख, तो ध्यान दीजिएगा इसी दृढ़ पटल के ठीक बीच में, इसी दृढ़ पटल के ठीक बीच में एक आपको और परत पाई जाती है जिसको हम कोरोइड के नाम जानते हैं। ये वाला भाग जो होगा इसको क्या बोलते हैं, कोरोइड बोलें, कोरोइड। इसको विशेष कर याद करके रखिएगा, जो दोस्तों कोरोइड होता है, कोरोइड आपका आपका काले रंग का होता है। कैसा होगा, काला होगा, और इसके साथ साथ ये दोस्तों अपारदर्शी होता है। क्या होता है, अपारदर्शी होगा। अब कोरोइड काम क्या होगा, कोरोइड काम यही होता है कि जो आपका अतिरिक्त प्रकाश होता है उस अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी कोरोइड क्या करता है, अतिरिक्त प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित करने का काम कौन करता है, कोरोइड। कोरोइड दोस्तों काले रंग का होता है। अब इसके साथ जस्ट बाद, यानी कि ये वाला जो पट्टिका पाई जाती है, ये वाली जो आपकी परत पाई जाएगी कोरोइड के जस्ट नीचे की जो परत होती है, इस परत को दोस्तों हम बोलते हैं रेटिना। इस परत को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, रेटिना के नाम से जानते हैं। आप लोग रेटिना का काम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका दोस्तों रेटिना होता है, रेटिना पर ही क्या होता है, आपका प्रतिबिंब बनता है। यानी कि रेटिना जिस परत पर आपका प्रतिबिंब जिस परत पर प्राप्त होता है उसको हम रेटिना का रेटिना कहते हैं। लेकिन रेटिना का जो मुख्य काम होता है प्रतिबिंब का आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, रंग, आकृति आदि के बारे में जो आपको जानकारी प्रदान होती है वो जानकारी आपको रेटिना के माध्यम से प्राप्त होती है। यानी कि रंग आकृति आपके बारे में, साइज के बारे में कौन बताता है, रेटिना बताएगा। और रेटिना के बीच में, रेटिना पर ही एक आपका बिंदु पाया जाता है यहां पर, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं पीत बिंदु। जिसको क्या बोलेंगे, पीत बिंदु बोलते हैं, पीत बिंदु।
पीत बिंदु का मतलब ये होता है कि रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, यानी कि पूरी आपकी ये तो रेटिना है, रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब आपको स्पष्ट प्राप्त होता है उसी पॉइंट को दोस्तों हम बोलते हैं क्या, पीत बिंदु बोलेंगे। और यहां एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। अंध का मतलब अंधकार वाला बिंदु, अर्थात जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहां पर प्रकाश मानव नेत्र का वह भाग जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु के नाम से जानते हैं। अब आंख के अंदर जो आपका दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, देखिएगा जो आंख में आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब हमेशा जब ये आनंद से आने वाले प्रकाश की किरणें जो दोस्तों आपके कार्निया पर आपतित होती है, तो कार्निया के बाद क्या होगा, तो कार्निया पे जैसी आपतित होती है तो यहां पर अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने के बाद जलीय द्रव नेत्रिका लेंस और कचाव द्रव से होते हुए डायरेक्ट वह कहां पर पहुंचती है, आपके रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर आपका उल्टा प्रतिबिंब बनाते, कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। लेकिन प्रकाश सिरा जो आपके संदेश देती है उसके अनुभव के आधार पर जो आपका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब दोस्तों क्या बनता है, सीधा आपको दिखाई देता, अनुभव के आधार प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन जो आपके आंख में प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब दोस्तों हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। उसी प्रकार अगर आपका 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब आप कोई ऑब्जेक्ट होती है उसका भी आपका प्रतिबिंब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आपके कार्निया पर आपतित होगा तो वहां से अपवर्तित होकर आपका नेत्र जलीय द्रव नेत्रिका लेंस और कचाव द्रव से होते हुए डायरेक्ट आपके रेटिना आर पर पहुंचती है, जहां पर आपका अस्पष्ट आपको प्रतिबिंब प्रदान करती है। बाद हम सामंजन क्षमता को देखेंगे। ध्यान दीजिए, सामंजन क्षमता क्या होती है, आंख द्वारा यानी कि स्वतः आंख द्वारा स्वतः फोकस दूरी को समायोजित, स्वतः फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, को समायोजित करने की क्षमता, करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, हम सामंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। क्या किसके नाम जानेंगे, सामंजन क्षमता के नाम, ज्यादा करने, फोकस दूरी कम है या ज्यादा करने की जो क्षमता होगी इसे हम क्या बोलेंगे, सामंजन क्षमता के नाम से। अब हम लोग देखेंगे दृष्टि दोष। हमने आपको बताया था दोस्तों दृष्टि दोष क्या होगा, मान लीजिए आपकी ये आंख है, ये दोस्तों क्या है, मान लीजिए आपकी आंख है। अब यहां से जब कोई प्रकाश की किरण आपके कार्निया पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो डायरेक्ट इसका फोकस कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इस कंडीशन में आपके आंख के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश यही जो फोकस है वह रेटिना के पहले बन जाए, किसके पहले बन जाए, रेटिना के पहले अर्थात नेत्रिका लेंस के निकट पहले बन जाए, या आपका जो फोकस है ये फोकस दोस्तों रेटिना से दूर बन जाए, किससे हो जाए, रेटिना से दूर हो जाए या नेत्रिका के निकट हो जाए, तो यहीं से आपके आंख के अंदर दोष उत्पन्न हो जाता है जिससे आपको वस्तुएं अस्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो देखिएगा जब आपका फोकस रेटिना के पहले अर्थात नेत्रिका लेंस के निकट बन जाता है, जब फोकस क्या होता है, रेटिना के पहले अर्थात नेत्रिका लेंस के निकट हो जाता है, इस समय दोस्तों आपको निकट दृष्टि दोष बन जाता है, हो जाता है। लेकिन जब यही आपका जो फोकस है वह फोकस रेटिना से दूर, अर्थात जब रेटिना से दूर हो जाता है तो दूर से आपको दूर दृष्टि दोष दोस्तों प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो देखिएगा यहां पर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्यों, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, देखिएगा हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो आपका निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, इसके पहले हम निकट दृष्टि दोष को समझ लेते हैं।
इसमें हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, जो फोकस होता है फोकस रेटिना के पहले प्राप्त हो जाता है, निकट दृष्टि से फोकस रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है, पहले बन जाता है तो क्या हो जाता आपका निकट दृष्टि दोष। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होगा दोस्तों, निकट की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु दिखेगी दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। यानी कि दोस्तों जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष कब होगा, जब आपका आंख के जो फोकस है वह फोकस रेटिना के पहले बन जाए, इस कंडीशन में आपको निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की वस्तु आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप किसी को देख कहते हैं निकट फोकस अपना नजदीक कर लेते हैं तो आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष का जो कारण है ये होता क्यों है, इस कारण को एक बार हम सभी लोग ध्यान दे लेंगे, इसका कारण यही होगा नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, यानी कि जो नेत्र लेंस की वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। क्या इसका कारण क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, की लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आपके नेत्र लेंस की फोकस वक्रता बढ़ती है तो वहां पर तुरंत ही आपका जो फोकस होता है, फोकस क्या हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, कम हो जाती है। इसका एक कारण ये होगा। और दूसरे कारण की अगर हम बात करते हैं, दूसरा कारण ये होता है आपका नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ये दो कारण आपका होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई ये आपकी आंख है, आंख के अंदर क्या होता है आपका दोष क्या होगा, मान लीजिए आपकी आंख है ये, तो जब इसका फोकस क्या होता है दोस्तों, निकट हो जाता है, इसका एक आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसका एक रीजन होगा ये आपका जो रेटिना है, जो आपका नेत्रिका लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या आपका बढ़ जाना, या इस नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या हो जाना, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी फोकस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निवारण हेतु दोस्तों हम देखते हैं किसका प्रयोग किया जाएगा, निवारण निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम प्रयोग लगाते हैं अवतल लेंस। क्या लगाएंगे, अवतल लेंस। कैसे, क्योंकि दोस्तों सपोज दैट आपकी ये आंख है, ये प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, और ये फोकस जो है कहां पर, आपका रेटिना के पहले प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए आपकी आंख के अंदर कौन सा दोष होगा, ये आपका निकट दृष्टि दोष होगा। अब हम इसमें लाके एक आप जाते हो डॉक्टर के यहां, वहां चश्मा लगाते हो, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देगा, ऊपर फैला देता है, अपसरित करने ऊपर फैला देता है, जिससे आपका जो फोकस होगा, फोकस कहां पर जाकर बन जाता है आपके, फोकस कहां पर बनेगा दोस्तों, आपके रेटिना पर। अर्थात हम निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष कैसा होगा, आपको पता है दूर दृष्टि दोष दोस्तों कब होता है, जब आपका, जब दोस्तों फोकस क्या होता है, जब आपका फोकस रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से दूर बनता है, दूर बनेगा बनता है, उस समय आपको क्या बनेगा, क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष में एक बात याद करिए दोस्तों, सेम इसका उल्टा, यानी कि दूर की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु क्या होती है दोस्तों, दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, परंतु आपको दोस्तों निकट की वस्तु नहीं दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, नहीं दिखती है। याद करके रखिएगा कि
कि जब आपका जो फोकस होगा, फोकस रेटिना से दूर बन जाए तो आपकी आंख के अंदर दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष की कंडीशन में दूर की वस्तु तो आपको आप स्पष्ट दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे दूर देखेंगे, जब आप दूर देखते हैं तो उस कंडीशन दूर की वस्तु दिखती है और लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। वही कारण आपका है, जब हम फोकस को दूर कर लेते हैं तो मुझे निकट की वस्तु नहीं दिखती है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ये दोष होने का कारण ध्यान दीजिए दोस्तों, सेम आपका जो निकट का था, निकट का सेम उल्टा ये होगा। इसमें क्या होता है? नेत्रिका लेंस का वक्रता कम हो जाना, नेत्रिका का वक्रता क्या हो जाता है दोस्तों? कम हो जाता है, जिससे इसकी जो फोकस दूरी होती है, जिससे इसकी जो फोकस दूरी हो जाती है, क्या होता है दोस्तों? वो बढ़ जाती है। वक्रता कम हो जाती है और इसकी जो फोकस दूरी होगी क्या होगी दोस्तों? वो बढ़ जाती है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए और बताइए, वक्रता क्या हो जाती है? कम हो गई तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या दूसरा कारण इसका है, नेत्रिका लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, रेटिना की दूरी कम हो जाना इसका एक कारण ये भी है। यानी रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना इसका एक कारण ये भी होगा। अब देखते हैं इसका निवारण क्या होगा दोस्तों। इसके निवारण के लिए हम सभी लोग किसका प्रयोग करते हैं? इसके निवारण के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, निवारण हेतु हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल। देखिएगा दू आ रहा है, ऊ का मात्रा, ऊ से आपका उत्तल, इसमें किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? उत्तल का हम प्रयोग करते हैं।